डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस का सेट वन का सॉल्यूशन 40 क्वेश्चन देखेंगे सेट टू इसके बाद का वीडियो आपको मिल जाएगा तो इन सभी वीडियोस को देख लें और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मैंने करा दिया है कंप्यूटर साइंस का तो आपके जितने भी चैप्टर्स कोरोना काल में आएंगे उनके सभी के एमसीक्यू मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया था कंप्यूटर साइंस के नाम से उसको देख लीजिए उसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी कुछ लिखा हुआ है और वो पहला आपका स्कोर फोर्टी के नाम से वीडियो है उसको आप जरूर चेक कर लीजिए उसमें आपको सारे चैप्टर जो है वन बाई वन मिल जाएंगे तो चलिए इस क्वेश्चन के देखते हैं आंसर्स आपको कितना पता है और अपने आपको मैच करिए कि आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है द ऑपरेटर डॉट स्टार इज कॉल्ड तो इसको क्या कहते हैं तो ये हो जाएगा डिफ्रेंस पॉइंटर्स डिफरेंस पॉइंटर्स टू क्लास ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे द ए एस एम कैट सी एच क्लास आर कॉल्ड तो ये क्या कहलाते हैं की कहलाते हैं इसके बाद जो है आपका द की वर्ड साइंड अंडर साइंड और शॉर्ट एंड लॉन्ग आर कॉल्ड तो क्या कहते हैं इसको इसको कहते हैं टाइप मॉडिफायर्स तो यहां पर जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप इज कॉल्ड तो ये कहलाते हैं टाइप कास्टिंग इसके बाद जो है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा इन लाइन मीसीएच एन इमेस इनक्रीजेज एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ तो इन टर्म्स ऑफ तो, तो यहां पे आ जाएगा आपका आंसर स्पीड इसके बाद जो है आपका एन सी मेड टू स्टैटिक डाटा मेंबर फ्रॉम वन मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर तो आंसर हो जाएगा इसका इज रिफ्लेक्टेड टू ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास तो यहाँ पे फंक्शन इज रिफ्लेक्टेड टू ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट इफ स्टेटिक डाटा मेंबर्स हैव टू बी यूज इन साइड ए क्लास दोज मेंबर फंक्शंस मस्ट बी स्टेटिक मेंबर्स फंक्शन सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा उसके बाद में है आपका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शन आर जनरली देयर इन सी प्लस प्लस वीडियो को पॉज करके पहले आंसर एज्यूम करा करो उसके बाद आंसर सुना करो तो यहां पर जो है आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इसका बताइए फाइव इसके बाद में है द स्टेटिक मेंबर ऑफ फंक्शन कैन ओनली यूज स्टेटिक डाटा मेंबर्स इसके बाद में है आपका द स्टेटिक डाटा मेम्बर्स मस्ट बी डिफाइंड इन साइड द क्लास सॉरी मस्ट भी नहीं मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा इसके बाद में आपका इलेवंथ क्वेश्चन है हाउ कैन वी मेक ए क्लास एब्सट्रैक्ट तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाई मेकिंग एट लीस्ट वन मेंबर फंक्शन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसके बाद ट्वेल्थ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर इज आर्गूमेंट और कॉल्ड तो क्या कहलाता है पैरामेटराइज कंस्ट्रक्टर ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड वेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड उसके बाद में है आपका नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू क्लास फ्रॉम वन और मोर एग्जिस्टिंग क्लास इज टर्म एज प्रोसीजर क्या कहलाता है न्यू क्लास फ्रॉम वन और मोर एग्जिस्टिंग क्लास से तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन द डैश ऑपरेटर नॉट ओनली क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो एलोकेट्स मेमोरी तो आंसर हो जाएगा न्यू उसके बाद में है आपका हाउ कैन यू चेंज थॉमस इन टू माइकल इन द लास्ट नेम कॉलम इन द यूजर टेबल तो जो है इसका आंसर क्या होगा तो यहाँ पे अपडेट यूजर सेट लास्ट नेम माइकल वेयर लास्ट नेम इज थॉमस तो आपको अपडेट वाला जो है ये डालना पड़ेगा तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सत्रह नंबर है इफ़ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड ए एस सी और डी एस डी ई एस सी आफ्टर एन एस क्यूएल ऑर्डर बाई क्लॉज द फॉलोइंग इज यूज बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा डिफॉल्ट यूज ए एस सी यूज हो जाएगा उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाई वी नीड टू क्रिएट एन इंडेक्स प्राइमरी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन टेबल तो आंसर हो जाएगा इंडेक्स इम स्पीड ऑफ डाटा ऑपरेशन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके बाद में आपका उन्नीसवा क्वेश्चन स्टेटमेंट इज डैश तो यहाँ आंसर आ जाएगा ए वे टू स्टैब्लिश एन इफ देन एल्स इन एस क्यू एल बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट तो हो, हो जाएगा उसके बाद में डैश ऑपरेटर इज यूज इज़ यूज टू कंपेयर द नल वैल्यू इन एस क्यू एल तो आंसर हो जाएगा आई एन इन इसके बाद में है आपका कंप्यूटर नेटवर्क इज तो कंप्यूटर नेटवर्क इज इसमें सभी कुछ है, सही है तो यहाँ पे जो है ऑल ऑफ अबव आ जाएगा इसके बाद में बाईसवा क्वेश्चन प्रोटोकॉल्स आर तो प्रोटोकॉल्स आर एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कॉम्पोनेंट एंड डिट इज आर, आर कम्युनिकेटेड उसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रोटिंग टेबल्स ऑफ राउटर में है विच टाइप ऑफ नेटवर्क सपोर्ट्स ट्रांसमिशन वॉइस वीडियो एंड डाटा तो कौन सा होता है लैन मैन वैन सब होता है मैंने आपको जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस कराए थे सब कुछ बताया है अपने को प्रिपेयर करिए पच्चीसवा जो क्वेश्चन है विच इज द ट्रांसमिशन मीडिया दैट कैन कैरी यूज डाटा टू लार्ज डिस्टेंसेज विद लेस डिले और लेटेंसी यानी कि बहुत लंबी डिस्टेंस तक कम समय में जो है कौन सी चीज पहुंचाई जा सकती है तो कौन होगा वो तो ऑप्टिकल फाइबर इसीलिए हमारे सारे डाटा नेटवर्क जो है ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है मैक्सिमम और ट्वेंटी सिक्स ऑफ एन अरे इन सी प्लस प्लस आर तो यहाँ पे जो आंसर क्या हो जाएगा आपका तो आंसर आपको बताना आंसर हो जाएगा आपका नो लिमिट इसके बाद द ऑब्जेक्ट ऑफ एन अरे इज तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका एलिमेंट ऑफ अरे इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका ट्वेंटी एट है टू रीड द मल्टी वर्ड्स स्ट्रिंग वी यूज द फंक्शन मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को जो हमें रीड करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे फंक्शन गेट्स और जो है ये आपका ब्रेकेट क्लोज इसके बाद में है आपका व्हाट इज लेंथ ऑफ एन अरे वन थ्री फोर टू फोर तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें कितनी लेंथ है फाइव है तो एक कम होता है तो आपका क्या आंसर आ जाएगा फोर इसके बाद में इसके बाद में जस्ट ए सेकेंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ अरे वन थ्री फोर टू फोर इसमें जो है आपका नन ऑफ दीज आ जाएगा इसमें नहीं होगा तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद जो है आपका थर्टी नंबर वर्ट डू वी यूज टू एक्सेस द सेवन एलिमेंट ऑफ एन आर ए तो यहाँ पे जो है आंसर क्या आ जाएगा आपका ए आर सिक्स ये जो है हम एक्सेस करने के लिए एक कम कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स इसके बाद में है वेयर डज की वर्ड फ्रेंड शुड बी प्लेस्ड तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन डिक्लेरेशन में उसके बाद में आपका थर्टी टू नंबर ए फ्रेंड क्लास कैन एक्सेस डेस मेंबर्स ऑफ अदर क्लास इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड तो डेस्क की जगह क्या आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड तो ए बी दोनों तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट फ्रेंड फंक्शन तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है तो यहाँ पर सारे के सारे जो है स्टेटमेंट्स सारे करेक्ट हैं तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अव जो है इसका आंसर हो जाएगा इसके बाद में थर्टी फोर नंबर ए फ्रेंड फंक्शन कैन बी तो ए फ्रेंड फंक्शन कैन बी बोथ ए एंड बी ठीक है तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पिक द करेक्ट स्टेटमेंट तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो पिक करना है आपको तो फ्रेंड फंक्शन कैन बी इन एज ए नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्टी सिक्स नंबर है हाउ कैन ए स्टेटिक मेंबर फंक्शन बी कॉल्ड इन मैन फंक्शन तो कैसे करेंगे यूजिंग डॉट एरो और यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर विद क्लास नेम डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद में ए क्लास कैन हैव सेल्फ रेफरेंशियल रेफरेंशियल डाटा मेंबर्स तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा ट्रू क्योंकि ए क्लास कैन हैव ठीक है उसके बाद में आपका थर्टी एट नंबर हाउ टू एक्सेस डाटा मेंबर ऑफ ए क्लास तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डॉट और एरो आर रिक्वायर्ड डॉट और एरो एज रिक्वायर्ड तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है द आर्गूमेंट पास टू मेंबर फंक्शन बाय रेफरेंस आर कंसीडर्ड एज डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास तो क्या कंसीडर कहलाएगा आपका तो मतलब ये कैसा है सही है फॉल्स स्टेटमेंट है और मे भी है तो आंसर हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट है इसके बाद में है आपका लास्ट क्वेश्चन द स्टेटिक डाटा मेंबर डैश तो यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग क्लास नेम इफ नॉट यूजिंग स्टेटिक मेंबर फंक्शन तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा आप सारी वीडियोज जरूर देखिए एक बार एक नजर जरूर मारिए ताकि आपके एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस आप कर सकें सभी चीजें हमने हमने जो है अपलोड कर दिए टाइम से पहले आप लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं उन सभी चीजों को एक जरूर जरूर देख लें आपको बहुत फायदा होगा बेनिफिट रहेगा थैंक यू वेरी मच हैव ए गुड डे